सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त वीके वाई और आप देख रहे हो वीके वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइस, यहाँ पे WCC 3 का एक नया अपडेट लॉन्च हो चुका है और मैं आपको बेसिकली बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो अपडेट है मुझे मिला नहीं है, बहुत लोगों को मिल चुका है। अगर आपने प्ले स्टोर में जाके देखोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू के अंदर सबको दिखा दे रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, स्वाइप कंट्रोल जो आप लोग जो बता रहे थे जो WCC 2 के अंदर, जैसे आप लोग स्वाइप कंट्रोल मिलती थी, जो क्लासिकल की कंट्रोल्स मिलती थी, जैसे हम लोग टच करके हम लोग भगाते थे बहुत बैट्समैन को, आराम से शॉट्स मार पाते थे, वो कंट्रोल आपको वापस से WCC 3 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आप लोग ना गाइस सेटिंग में जाके वहाँ से चेंज करने की कोशिश करोगे तो वहीं से आप लोगों को जो है गाइस सेटिंग आपको चेंज हो जाएगा जहाँ से क्लासिकल आप लोग कर पाओगे। सेकेंड नंबर की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे T20 और एक ब्लिट्स टूर्नामेंट करके है, उसको जो है गाइस अगर WCC 3 के अंदर अभी जाके देखते हो तो वो लॉक था, वो उसको अब इन लोगों ने अनलॉक कर दिया। ठीक है गाइस, अब ये दो चीज़ें इन लोगों ने WCC 3 के इस अपडेट में आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ पे आप लोग मुझसे बहुत लोग ढूंढेंगे भाई करियर मोड कहाँ है, तो भाई लोग मैं आपको बता दूँ ये फुल वर्जन रिलीज नहीं हुआ है, ये अर्ली एक्सेस में ही गेम है और अर्ली एक्सेस में होने की वजह से गाइज अभी तक इसके अंदर पूरा का पूरा फीचर्स आपको जो पूरा का पूरा अनलॉक नहीं देखने को मिलने वाला है। छोटे छोटे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्वाइप कंट्रोल आपको मिलने गया है और T20 और ब्लिट्स जो टूर्नामेंट को है इन लोगों ने उसके अंदर जो है आप लोगों को बीटा वर्जन के अंदर आप लोग खेल पाओगे जो पहले आप लोग नहीं खेल पा रहे थे। तो ये जो चीजें थी, तीसरा चीज इन लोगों ने जो किया है गाइस वो है जो है एडजस्टमेंट टू AI बेस्ड ऑन योर फीडबैक। अब यहां पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन लोगों ने गाइस इसको सुधार दिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द वे ग्राफिक्स को पकड़ लो आप, चाहे एनिमेशन को पकड़ लो आप, ये सारे के सारे चीजें यहां पे इन लोगों ने लगभग इसको सुधार दिया जो आप लोगों ने इनको फीडबैक दिया था। अब इसके अंदर एक और आप लोगों को प्रॉब्लम चल रहा था वो था कि प्लेयर स्टैटिस्टिक का जो स्ट्राइक रेट था कभी कभी 300, 400, 500, 600, 700 इतना बड़ा बड़ा thousands का दिखा रहा था, तो इन लोगों ने इसको पूरा का पूरा फिक्स कर दिया है। और अगर आप लोग अब जाके प्लेयर स्टैटिस्टिक को देखोगे तो उसको पूरा का पूरा आपका रीसेट हो गया होगा, पूरा एक नए तरह से शुरुआत होने वाली है। तो ये एक बात याद रख लेना, ऊपर से मैसेज को प्लीज निगलेक्ट करना क्योंकि मैं एडिट नहीं करने वाला इस वीडियो को, डायरेक्ट ऐसे ही चढ़ा देने वाला हूं। तो यार देखो यहां पे देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा कुछ आया नहीं है जो अकॉर्डिंग टू मी यार मुझे अपडेट नहीं मिला है अभी तक। ये अपडेट जो है आप लोगों को जो है प्री रोल में होगा, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला है कूल रहो, शांत बैठे रहो भाई, आराम से मिल जाएगा। मुझे बहुत लोगों में आप लोगों से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया, भाई दिल से थैंक यू वेरी मच, ऐसी सपोर्ट करते रहो अपने वीके भाई भाई को, यार थैंक यू वेरी मच। तो लो यार मैंने सारे के सारे न्यूज़ जो थे मैंने कवर तो कर दिया हूँ कि यहाँ पे देखो स्वाइप कंट्रोल मिल गया, T20 और ब्लिट्स टूर्नामेंट्स को इन लोगों ने अनलॉक कर दिया। अब जैसे ही मुझे अपडेट मिलता मैं आप लोगों को यहाँ पे फुल रिव्यू वीडियो लेके आ जाऊँगा और बता दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।